सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्यार से बोल दो ना, और बातें तो इतनी है आप लोग की, बुराई भी करूं तो बुरा मत मानना, क्योंकि सच्ची बात है। जैसे आपको जब नहाते हो ना, तो जब बाथरूम में जाते हो नहाने, एक टॉवल लेकर के जाते हो, अगर छोटे बालक को कह दिया जाए बेटा दादी के टॉवल से पोछ ले, तो कहेगा नहीं 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 दादी के से कैसे पोछूं, खुजली होगा, है ना। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो एक दूसरे का टॉवल शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा साफ सफाई वाले लोग हैं। मम्मी के टॉवल बेटा यूज नहीं करता, पति के टॉवल पत्नी यूज नहीं करती, सबके लिए अलग अलग चाहिए, है ना। अब मुझे नहीं पता आपके घर में क्या है, लेकिन हमारे घर में तो प्यार से बोलो मम्मी सबके लिए अलग अलग दे देती है। लेकिन जब हम अपने माता पिता के टॉवल यूज नहीं करते, तो भगवान के लिए एक छोटा सा कपड़ा रखा, राम जी को उसी से पोछा, कृष्ण जी को उसी से पोछा, फिर हनुमान जी को ले जा करके फिर पोछा लगा रहे, फिर भगवान कहते कि खुजली मिटी नहीं रहा है। प्यार से बोलो। इसलिए जितना हो सके उतना सेवा करो, एक भगवान को रखो, क्योंकि एक में ही अनेक है, एक ही सब कुछ है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। एक रखिए, आपके इष्ट देव को रखो, अगर 5 रखना है तो 5 के लिए अलग अलग सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं कर दीजिए। 5 टॉवल रखो, 5 थाली लगाओ, भगवान को खाने के लिए भी अच्छे भरपेट दे दो, रोटी खिलाओ, 5 भगवान को 1 रोटी कैसे होगा। प्यार से बोलो।